वोटिंग से महज एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने पलट कर रख दी पूरी चुनावी बाजी। भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। जी हां, आपको बताया चले कि 3 मार्च को यूपी में छठे चरण का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले सिद्धार्थनगर पहुंची प्रियंका गांधी ने पूरी की पूरी चुनाव की बाजी पलट कर रख दी और पूरी की पूरी हवा कांग्रेस की तरफ मुड़ गई है। बता दें कि सिद्धार्थनगर के सवरतगढ़ में छतरी स्थित वीरेंद्र ग्रामीण स्टेडियम में मंगलवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक भारी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जाति धर्म के आधार पर आई सत्ता जनमानस के लिए नुकसानदायक है। बसपा सपा और भाजपा जाति धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन कांग्रेस धर्म व जाति पर वोट नहीं मांगती। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र प्रताप उर्फ पप्पू चौधरी के समर्थन में जनसभा की। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, कई ऐसे युवा हैं जो नियुक्तियों की प्रतीक्षा करते करते उम्र बिता रहे। उधर किसान परेशान है, छुट्टा पशु उनके खेत चरे जा रहे और पीएम व सीएम कह रहे कि उन्हें मालूम नहीं कि छुट्टे पशुओं की कोई समस्या भी है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी तो अंतर्यामी है, वो सर्वज्ञानी है। सपा और बसपा पर प्रहार करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने विपक्ष की भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन नहीं किया, दोनों पार्टियां ध्रुवीकरण के भरोसे सत्ता प्राप्त करना चाहती है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि कांग्रेस चाहती है कि नौकरी के लिए युवाओं को बाहर ना जाना पड़े, युवाओं का पलायन रोका जाए, महिलाएं सशक्त बने, उन्हें भी नौकरी मिले, ऐसा कानून बने जिससे किसान मेहनत करे और फायदा उद्योगपति ले। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।